हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ बताने के लिए। एक्चुअली कल मैं भी निरंतर सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, तो कल मैं कुछ सुन रहा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा उसे सुन के, और मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो 2 मिनट की बात है, तो उस वीडियो में मेरे को जो सीखने को मिला है वो ये मिला कि किसी भी कार्य में अगर आपको सफल होना है, अगर आपको उसकी हाइट्स तक जाना है, तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपको सिर्फ हाथ से काम नहीं करना है, आपको उसमें दिल लगाना पड़ेगा। ओनरशिप का सीधा सीधा मतलब है कि आपका उसमें दिल लग गया है, और जब दिल लग जाता है किसी काम में तो निपुणता आ जाती है। तो इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि एक बार जाकिर हुसैन जी से, जो बहुत मशहूर तबला वादक हैं, तो उनसे किसी ने पूछा, जी मैं अपनी पूरा जीवन लगा सकता हूँ आपकी तरह अगर मुझे तबला बजाना आ जाए। तो जाकिर हुसैन जी ने कहा कि मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ अपना जीवन, तभी ऐसा तबला बजा रहा हूँ। और एक बात और, अगर मैं 1 महीना प्रैक्टिस ना करूँ तो मेरी ऑडियंस बता देती है आज भी कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं 1 हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरा परिवार बता देता है कि कुछ डिफरेंस आ गया है, और अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करता ना तो मुझे खुद पता लग जाता है कि हाँ मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो रेगुलर आपको अभ्यास करना पड़ता है, रेगुलर आपको प्रयास करना पड़ता है, और जब आपका दिल लग जाता है ना तब आप रेगुलर प्रयास भी करते हो, अभ्यास भी करते हो। एक छोटा सा डिफरेंस होता है मजदूर के अंदर कारीगर और कलाकार। मजदूर क्या है? मजदूर हाथ से काम करता है। कारीगर क्या है? कारीगर उसी काम को हाथ से करते हुए अपना दिमाग भी लगाता है। और कलाकार कौन होता है? कलाकार वो बन जाता है जो हाथ से काम करते हुए दिमाग तो लगाता ही है, अपना दिल भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया कर रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो प्लीज टेक ओनरशिप। ये आपका बिजनेस है, जहां से आप ज्वाइन करते हैं ना वहां से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो आप अपने बिजनेस को किस आयाम पे ले जाना चाहते हैं, कितनी बड़ी बुलंदियों पे अपने आप को देखना चाहते हैं, कितनी जल्दी आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, वो सब डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस की ओनरशिप किस लेवल पे जाके ले रहे हैं। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि अपने बिजनेस के कलाकार बनिए, अपने बिजनेस की ओनरशिप लीजिए, और अपने बिजनेस में दिल लगाइए, और देखिए कि आप महीनों के साथ अपने सपनों के कितने पास पहुंच जाते हैं। आप बहुत तेजी से राइज कर सकते हैं। एक सफल और एक असफल बंदे के बीच में जो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, वो सिर्फ ओनरशिप का है। जो सफल होते हैं वो ओनरशिप रखते हैं, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनके पास कहानियां होती हैं, उनके पास बहाने होते हैं, उनके पास शिकायतें होती हैं। तो इसी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सफल हैं और बहुत सारे लोग सफलता की चाह में हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ये बिजनेस आपका है और ये आपके सपने पूरे करेगा, तो इसमें ओनरशिप लेने में देरी नहीं कीजिए। इस बिजनेस को दिल से करते हैं, साथ में करते हैं, और अपनी कंपनी को बुलंदियों पर लेके जाते हैं, अपने आप को बुलंदियों पर लेके जाते हैं। दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी। Thank you so very much.